इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन इन एनिमल के अंदर, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, फाइव स्टेप के बारे में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। फाइव स्टेप में हम लोग डिस्कस किए थे अमीबा में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इस्मालेशन एंड फिफ्थ जो था वो है इजेशन। इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल के अंदर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मनुष्य में जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो कैसे होता है। जो पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके डिटेल देख सकते हैं, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो आज हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन का डिफिनेशन डिस्कस किया हुआ है पहले वाले वीडियो में। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य में जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक स्पेशल सिस्टम है इसके अंदर, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, कॉम्प्लेक्स एनिमल है, तो इसके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन माने हर काम को करने के लिए अलग अलग सिस्टम डेवलप है। तो डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, माउथ से लेकर के एनस तक वो एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके साथ साथ बहुत सारे ग्लैंड भी होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑर्गन है इसके अंदर। देयर आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो देखिए, फर्स्ट में है माउथ, सेकेंड है ओसोफेगस या फूड पाइप भी इसको कहते हैं, थर्ड जो है स्टोमक है, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स भी होते हैं, सिक्स नंबर में सलेवरी ग्लैंड है, सेवन में लीवर है, पैनक्रियाज है। ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ टू एनस जो भी ऑर्गन है विथ ग्लैंड्स टोटल टुगेदर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सी द फिगर, फिगर को देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर, माउथ कहाँ है, माउथ के बाद माउथ के अंदर आपको टंग मिलेगा, जीभ मिलेगा, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड माउथ के अंदर ही मिलेगा, उसके बाद माउथ के अंदर बाहर, उसके बाद आ जाइए माउथ के बाद आ जाइए जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो ओसोफेगस या फूड पाइप है। उसके बाद आप देख ले फूड पाइप जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ एक जे शेप्ड लाइक बैक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो स्टोमक है।
पेट है, अमाशय जिसको बोलते हैं, अमाशय से एक ट्यूब लाइक पतली नली निकली जो यहाँ पे क्या हो गया आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन का बनाता है। और उसके बाद इस फिगर में एक ये जो दिया हुआ ड्यूडेनम, ये गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान देना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे वाला ये जो पोर्शन है वो एनस है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्लैंड भी है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया और ये पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो है, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, 5 स्टेप होता है न्यूट्रिशन का। पहला जो है इंजेशन है, दूसरा डाइजेशन है, तीसरा एब्जॉर्प्शन है, एजमाइलेशन है और इजेशन है। ये 5ों स्टेप अमीबा में भी हुआ था, यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स के अंदर, और यहाँ मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल है ह्यूमन, उसके अंदर भी ये 5 न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोसेस होंगे, स्टेप होंगे न्यूट्रिशन के अंदर, जिसको हम वन बाई वन करके देखेंगे। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर, माउथ, ठीक है, ओसोफेगस, स्टोमक, पेनक्रियाज, लीवर, ग्लैंड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखिए कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिगर याद कर लेना है, पहली फिगर याद कर लेना है, उसके बाद ही हम लोग ऊपर डिस्कस करेंगे ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजेशन के बारे में। तो इंजेशन क्या होता है, माउथ में होता है, माउथ जो है फर्स्ट ऑर्गेन है, माउथ। द ह्यूमन बींग्स हैव ए स्पेशल ऑर्गेन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड द माउथ। मनुष्य के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है माउथ, जहाँ फूड को इंजेस्ट किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ माउथ के अंदर हमको 3 चीज़ों से मुलाकात होगी। पहला है वो आपका टूथ है, दांत है, दूसरा जो है वो जीभ है, टंग है, और तीसरा माउथ के अंदर जो होता है वो है सलाइवरी ग्लैंड। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। माउथ के अंदर टूथ का क्या फंक्शन है, टंग क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है। तो टूथ, ये देखिए स्ट्रक्चर टूथ का, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके भी हैं कि दांत जो है वो 4 तरह का होता है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसीजर जो है आगे का फ्रंट का जो दांत है, आगे का फ्रंट का जो बोर्ड टीथ होता है वो इंसीजर है। जो हार्बीपोरस एनिमल होते हैं वो हार्बीपोरस एनिमल में इंसीजर जो है ज़्यादा डेवलप होता है, इसका काम ही है क्या करना, कटिंग का। दूसरा जो टीथ है वो केनाइन है, इंसीजर के जस्ट बगल वाले दांत, देखिए इंसीजर के जस्ट बगल वाले दांत जो थोड़ा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, वो केनाइन है। जो कार्निवोरस एनिमल होता है उसमें केनाइन जो है बहुत डेवलप होता है, टाइगर, लेन, क्योंकि इसका काम ही है टीरिंग करना, फाड़ना, शिकार को पकड़ के उसमें केनाइन की हेल्प से उसको चीरते हैं, फाड़ के आसानी से वो खा सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है मोलर है, वो केनाइन के जस्ट बिहाइंड वाला
जो टीथ होगा वो मोलर, प्री मोलर होगा, और प्री मोलर के बाद फिर मोलर होगा। पहले प्री मोलर होगा, उसके बाद फिर मोलर होगा, पहले प्री मोलर होगा फिर मोलर होगा, ठीक है। तो क्रैकिंग करना, ग्रीडिंग करना मोलर का काम है, क्रैंकिंग करना प्री मोलर का काम है। तो चार तरह के दांत होते हैं। ये चार तरह के दांत जो हैं वो फूड को स्मॉल पीसेज में तोड़ने का काम करता है, पीसने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, जिससे फूड जो है आसानी से डाइजेस्ट हो सके। तो एक्चुअली जो डाइजेशन इन ह्यूमन है, वो ह्यूमन में डाइजेशन जो है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, स्टोमक से नहीं होता है, माउथ से ही डाइजेशन फूड का शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे प्रोसेस कैसे होता है। अभी हम लोग टीथ पे हैं, तो बगल में जो ये फिगर है ये टीथ के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, जो हमारे दांत हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे ऊपर का जो लेयर है टीथ का, जो वाइट कलर का आपको दिखाई देता है, वाइट कलर को जो आपको लेयर दिखाई देता है टीथ के ऊपर, आप अपने दांत को भी देखिए, और देखने के बाद देखिए कि उसके वाइट कलर का लेयर है कि नहीं। तो वाइट कलर का जो लेयर है दांत के ऊपर जो दिख रहा है वाइट वाइट, वो है इनामिल। और ये पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ये बॉडी का, सबसे कठोर पार्ट है, तो वो है इनामिल। उसके अंदर ये फर्स्ट लेयर हो गया ये इनामिल टीथ का। टीथ के सेकेंड लेयर का जो नाम है वो डेंटाइन है, जो व्हाइट वाला लेयर है उसके अंदर मिलेगा, वो है डेंटाइन फिगर, डेंटाइन यहाँ पे है, डेंटाइन मिलेगा। और जो तीसरा है वो है पल्प कैविटी, ये है पल्प कैविटी। ये देखिए यहाँ पे जितना भी है कैविटी, जो खाली जगह बना हुआ है ये पल्प कैविटी है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो रहते हैं, और जो टीथ को जो है एनर्जी और ऑक्सीजन या कहें वो ब्लड वेसल अंदर जो रहता है ना, उसी के थ्रू इसको भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टीथ के लेयर, लेकिन एक चीज़ और है इसमें, जो भाग टीथ का जो भाग मसूड़े के अंदर होता है, या मसूड़े के अंदर जो धंसा होता है वो कहलाता है रूट, वो कहलाता है रूट कहते हैं उसको। और जो ऊपर में दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। तो जितना पार्ट भी हम देखे अभी यहाँ पर, इनामेल देखे जो दिख रहा है, उसके अंदर का लेयर देखे डेंटाइन, उसके और अंदर का लेयर एक देखे पल्प कैविटी, वो ऊपर जो वाइट कलर का पोर्शन जितना दिख रहा है वो क्राउन में आएगा। और जो मसूड़े के अंदर पूरा जो धंसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है, वो पूरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, रूट होगा। और ये गम क्या है, मसूरा है, मसूरा के अंदर इस तरह से रूट जो है दांत का धंसा रहता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी ब्लड कैपिलरीज होते हैं, नर्व सिस्टम होते हैं। अगर आप पानी पी रहे हो, पानी पीने के कारण आपका दांत जो है वो क्या बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में, सनसनाता है, इसका मतलब है कि आपका इनामिल जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, टूट रहा है। तो टीथ को केयर करने की ज़रूरत हो जाएगी। तो हम लोग ज़्यादा उतना डिटेल्स नहीं जाते हैं। तो टीथ जो है वो चार तरह का हो गया, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पे देख लिए, पूरा दांत का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो है, टीथ दो तरह के और होते हैं। एक होता है टेम्पोररी टीथ, जिसको मिल्क टीथ भी कहते हैं या डिसीडियस टीथ भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है परमानेंट टीथ होता है। बच्चा जब दांत आना शुरू होता है उसको, तो उस समय जो दांत होता है वो टेम्पोररी टीथ होता है, मिल्क टीथ, दूध का दांत जिसको कहते हैं, वो फिर बाद में धीरे धीरे 6 साल
के बाद या 5 साल के बाद, है ना, वो मिल्कर का दांत जो है 10 साल के पहले, 10 साल तक शायद वो जो है टूटना शुरू हो जाता है। और दूध के दांत जब टूटते हैं तो उसके बाद जो दांत आता है वो परमानेंट टीथ होता है, फिर उसके बाद नए दांत नहीं आते। टेम्पोररी एक और होता है विजडम टीथ। टेम्पोररी टीथ हो गया, परमानेंट टीथ हो गया, और एक विजडम टीथ होता है जो शायद सुनने में आया होगा, 30 से 35 साल के बाद एक बुद्धिमान वाला टीथ आता है। खैर तो टोटल जो हो गए 6। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा टंग, जो माउथ में मिलता है। टंग, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। दांत करता है फूड, दांत क्या करता है, फूड को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ने का काम करता है, पीसने का काम करता है, च्यूइंग करने का काम करता है। और ये जो टंग है वो मिक्सिंग करने का काम करता है फूड को मिलाने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा ऑर्गन जो हम लोग देखे थे सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड से ना सलाइवा निकलता है। सलाइवा एक लसलसा लिक्विड सब्सटेंस है, वाटरी लिक्विड सब्सटेंस है, वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। और सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और फूड में जो मिक्सिंग करने का काम करता है वो टंग करता है। तो टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मिक्सिंग करने का काम करता है सलाइवा को फूड में, साथ में बोलने में हेल्प करता है, टेस्ट लेने में मदद करता है। तो टेस्ट लेने में मदद करता है तो टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टेस्ट वर्ड्स होते हैं। अगर मीठा का टेस्ट लेना है तो आगे वाले पोर्शन में स्वीट टेस्ट वाले वर्ड्स मिलेंगे, सॉल्टी है तो यहाँ पे पोर्शन देखिए सावर, बीटर जो है पीछे वाले पोर्शन में आएगा, पीछे वाले पोर्शन में बीटर आएगा, आगे बढ़े तो स्वीट आएगा, और सावर किनारे वाला पोर्शन होगा और साल्टी ये बीच वाला एरिया। तो सलाइवा जो तीसरा पार्ट है वो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, वो फूड में मिलता है, वाटरी लिक्विड है, इसमें इंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं सलाइवा के अंदर। और ह्यूमन सलाइवा कंटेंस जो होता है एन इंजाइम विच इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इन टू शुगर। इसका मतलब है कि फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, और किसका डाइजेशन होता है, शुगर का, स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। ह्यूमन के अंदर फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ द एमाइलेज इंजाइम्स। एंड एमाइलेज इंजाइम्स किसके अंदर होगा, सलाइवा के अंदर होगा। सलाइवा कहाँ से निकलेगा, सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा, और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होगा, तो माउथ में होगा। दांत फूड को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में, टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करेगा और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। इंजाइम्स का नाम रखना है याद, सलाइवरी एमाइलेज। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर लें।